हाँ जी भाई, कैसे हैं आप सब? बढ़िया भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हायर मैथमेटिक्स जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपकी आने वाली है, चाहे वो CET हो, चाहे आपका वो IP मैट हो, चाहे JIP मैट हो, जहां पर भी आपका हायर मैथ का पोर्शन आने वाला है, उनको एग्जाम्स के लिए आपके हायर मैथ्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का फोर्थ पार्ट आपके सामने है। आज हम कई तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैट्रिक्स के देखो ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे। बात यह है कि ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट नहीं करना है, आज हम इसको डिफरेंट अप्रोच से करना सीखेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो भाई ABC इंटीजर्स है, जिसके लिए वैल्यू यहाँ पर a>b>c जीरो दे रखा है। अब बच्चे सोचते हैं सर इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे क्या? नहीं, वैल्यूज के थ्रू करो। कैसे? देखो, जब भी कोई कंडीशन गिवन हो, क्या गिवन हो? कंडीशन, तो क्या करना है? देखिए, सपोज ABC आर इंटीजर सच दैट a>b>c>0 एंड ए की वैल्यू ये रही, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ। ठीक है, तो कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से ये उठाना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बी सी ए और ये सी ए बी है ना भाई। अब इस ABC की कंडीशन को उठा लो। अब इस ABC की कंडीशन में ना आप अपनी तरफ से वैल्यू अज्यूम कर लो। मैंने अज्यूम कर लिया 3, 2, 1। ठीक है भाई, अब इससे हुआ क्या, ए की वैल्यू 3 मान ली गई है। ठीक है, ए की वैल्यू को 3 मान लिया, बी को 2 और सी को 1, और 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए था, तो हमने पूरी कंडीशन को फुलफिल करा है। अब इसके अंदर आप इसे पुट कर दो, ABC की जगह इसे क्या कर दो, पुट कर दो। ABC क्या है? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2 और ये 1। ठीक है भाई, सारी वैल्यू आ गई। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो, 3, 2, 1। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, फिर आपका आएगा 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, फिर आपका आएगा 3 2 जा 6, 1 इंटू 1, तो ये आपका माइनस का 7 आ गया, ये आपका 1 आ गया और ये आपका 5 आ गया। अब यहाँ आएगा माइनस का 21 और ये माइनस का 2 प्लस 5, तो वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 23 प्लस 5 माइनस का 18। तो आपका माइनस का 18 आंसर आ गया, जिसका क्या मतलब है कि आपकी वैल्यू नेगेटिव आई गया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कुछ और आंसर नहीं आ सकता क्या? भाई नहीं आ सकता, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। आप कोई भी और वैल्यू रख कर देखो, बट वो वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए, तो उस केस में आपका जो सिनेरियो है वो नेगेटिव का ही होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करा जाता है। जब डिटरमिनेंट में कोई कंडीशन दी हो ना, तो आप ABC XYZ जो भी दिया हो उसकी वैल्यू को अज्यूम करके कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ए दे रखा है, विच इज 1, 1/2, 0 और 1। अब सबसे पहले आपको ये 2022 पे जाने से पहले तो स्क्वायर पे ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल, आ जाओ चलते हैं भाई, 1, 0, 1/2 और 1। 1 इंटू 1, 1 हो गया, 0 इंटू 1/2, 0 हो गया, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 हो गया। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 1 को फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 को 0 से 1 को 1 से, तो आपकी वैल्यू आ गई 1, 0, 1 और 1। आप अगर देखो तो ये 1/2, 1/2, 1 हो गया, यहाँ पर आपका ये 1/2 था। अब एक ए क्यूब और निकाल लो, आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है। ए क्यूब में सबसे पहले मैं a² लिखूंगा, फिर मैं एक सिंगल a लिखूंगा। ठीक है भाई, अब इन्हें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, 1 इंटू 1 और ये 0, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0, 1 इंटू 1 प्लस 1/2, 3/2, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, तो ये 1 आ गया। अब नोटिस करो, यहाँ पर अगर a की पावर 1 था तो यहाँ पर 1/2 आया, मतलब हाफ। यहाँ अगर 2 था तो यहाँ 1 आया, मतलब हाफ। यहाँ 3 था तो यहाँ पर 3/2 आया, मतलब हाफ। बाकी सब में देखो 101 101 101 101 101, पूरे में 101 ही आ रहा है। तो इसी पैटर्न के बेसिस पे अगर मैं a 2022 निकालूँ तो ये 1 होगा, ये 0 होगा और ये 1 होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। अब यहाँ पर वैल्यू हाफ होती जा रही है, तो 2022 का भी हाफ होगा, विच इज़ 1011। ऐसा अगर कोई आंसर है तो वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता था अगर यहाँ भी 1 लिखा होता, ये बात याद रखनी है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस ओनली नन ऑफ दिस विल करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं लिखा। ठीक है भाई, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, CUET जनरल टेस्ट इंग्लिश यानी वर्बल लैंग्वेज जो भी आपका होता है और उसके जितने भी डोमेन्स हैं उन सब के मॉक टेस्ट हमारे पास बिल्कुल एक लेजिमेंट, बिल्कुल इजी सा प्राइस है, 999 इस पे अवेलेबल हैं।
इसके लिए आप हमारे फ्री कोर्सेज को देख सकते हो, उसके बाद आपको टीचर्स का आइडिया लग जाएगा। प्लस हमारी ऐप पे जाओ, वहाँ पे आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा एनरोल करने का। और हमारे मॉक टेस्ट बाकी उससे कैसे अलग होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये IPMAT इंदौर के लिए भी काम आएंगे, रोहतक, जिपमेट, सेंट जेवियर, एनपेट, IPU, CET जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए कंबाइंड मॉक टेस्ट है। सबके लिए क्या बेनिफिट है ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो जो मॉक टेस्ट है वो क्या क्या होने वाले हैं भाई, टॉपिक वाइज मॉक्स मिल जाएंगे आपको। देखो लिखा है ना 300 प्लस टॉपिक वाइज, अगर आपने मान लो मैट्रिक सीखी उसका आपको टेस्ट देना है तो आप जाके टॉपिक में दे सकते हो। वर्बल में आपने नाउन सीखा उसका टेस्ट जाके दे सकते हो। और फिर फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं, अगर आपकी अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, BST है, वट एवर द सब्जेक्ट इज, जो भी आपके इसमें रिलेटेड है, उन सबके मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। 1, 2, 3, 4 नहीं, कम से कम 10-12। जनरल टेस्ट के तो आपको ऑलमोस्ट 15-20-25 मॉक मिल जाते हैं। वहीं बात करते हैं इससे अलग भी क्या मिलता है भाई, AI इनेबल रिपोर्ट्स आती है। आप जब मॉक टेस्ट को सबमिट करते हो फुल एग्जामिनेशन वाली फील होती है, उसके बाद जब आप इनेबल कर, मतलब जो AI होता है ना उसमें क्या होता क्या है बेसिकली कि जब आपने रिजल्ट आपका आया सबमिट करने के बाद तो उसमें आपको ये बताएगा कि जितने लोगों ने टेस्ट दिया उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, क्या आपके क्वेश्चन गलत थे, क्या आपके सही थे और कौन से आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े, उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि जो फुल लेंथ मॉक्स हैं जैसे जनरल टेस्ट का हो गया या IPMAT का हो गया है ना, तो उसके लिए आपको जो फुल लेंथ मॉक्स हैं उनके क्वेश्चन मान लो कोई नहीं समझ में आ रहा, सॉल्यूशन देखकर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। इससे अच्छी बात क्या होगी, वो भी इस प्राइस में 999, जस्ट इस प्राइस के अंदर ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न तो रहेगा ही रहेगा। और ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलती है कि क्वेश्चन बैंक, पर्टिकुलर टॉपिक के आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाता ताकि आप एक प्रैक्टिस भी अपनी कर सको। तो इतने प्राइस में इतनी सारी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होता है और आपको मिल रही हैं, तो जाइए जल्दी से ऐप पे से एनरोल करिए। और ऐप पे हमारा फ्री कोर्स भी चल रहा है तो उसे भी आप पढ़ सकते हो, वो भी ऐसा फ्री कोर्स है ना हमारा, लोगों के पेड कोर्स नहीं होते। क्यों बोल रहा हूँ ये वाली बात मैं, आप खुद जाके चेक करो ऐप पे, EduCaptain की ऐप आपको मिल जाएगी, उस पर आप चेक करो, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई यहाँ पे आपको ए दे रखा है 001 इसके बाद आपसे बोला क्या है, आपसे बोला A9, A6, A3+A इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, मतलब कुछ भी आंसर आए आपको पॉजिटिव बताना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले तो आप ए स्क्वायर निकालो क्या आएगा, तो ए स्क्वायर में ए दो बार आएगा, 100, 001 और 010, ठीक है, ये भी हो गया आपका, मल्टीप्लाई करो इसको इससे करोगे तो 1 आ जाएगा, बाकी सब 0 है, फिर 1 × 0, 0 × 0, ये भी 0, लास्ट वाला भी 0। फिर लेकिन अब ये वाला ध्यान से करना, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ये 1 आ गया भाई, अब बाकी दो 0, लास्ट वाला भी 0, फिर 0 और फिर 0 और लास्ट में आपका आ जाएगा 1, ठीक है भाई। देखो इसको इससे करोगे आप 1 आ जाएगा, तो ये आइडेंटिटी बन गई। तो इतना करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि ए स्क्वायर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब जब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है A9, A6, A3+A इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है ना, तो पहले तो आप खुद बताओ, इसको आप A8 और A बोल सकते हो, इसको आप A2 और A3 बोल सकते हो, इसको आप A2 × A बोल सकते हो, ठीक है भाई। अब ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी है तो ए की पावर 8 भी तो आइडेंटिटी होगा, बिल्कुल होगा, तो आइडेंटिटी इंटू ए, और ये ए स्क्वायर आइडेंटिटी है ये भी आइडेंटिटी होगा, ये भी आइडेंटिटी इंटू ए होगा प्लस ए होगा। अब देखो भाई आइडेंटिटी इंटू ए, ए को किसी आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो सेम मैट्रिक्स आती है, तो ये ए हो गया। आई का आइडेंटिटी की पावर कुछ भी हो आई आता है, ये भी ए ये भी ए, तो वैल्यू आ गई अपने पास 3 बार A प्लस में आइडेंटिटी। ए कितना है अपने पास, ए की वैल्यू देख लेते हैं, 100, 001 और 010, ठीक है, ओके एक सेकंड, ये रहा। उसके बाद प्लस में है आइडेंटिटी विच इज़ 100, 010, 001। अब इसको आप सॉल्व करिए, 3 × 3 000003 और 030 और प्लस 10 ऐड कर दो भाई से। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 400, ये आएगा 01 और ये 3 और ये आएगा 03 और ये 1, ठीक है भाई। देख सकते हो आप मैंने वैल्यूज़ बना दी हैं इसकी। अब आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, क्या निकालना है डिटर्मिनेंट, आइए अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं।
सिंपल है, हो जाएगा। या आप 4 से एक्सपेंड कर दो सीधा, क्योंकि बाकी सब तो ज़ीरो हैं, तो 4 से हटेगा, 1 into 1 माइनस 3 into 3 9। अब आगे करो ही मत क्योंकि ज़ीरो हैं ये वाली वैल्यूज, तो सीधा आंसर बता दो, 4 माइनस का 8 तो आंसर इज़ -32। बट -32 नहीं, आप प्लस का 32 बोलोगे, क्योंकि आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है। कौन सी वैल्यू पूछी है? एब्सोल्यूट वैल्यू, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए भाई, लॉगरिथम का क्वेश्चन है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो ये लॉग 8 लॉग 27 है, इसे यहीं सॉल्व कर लो। लॉग 8 का होता है भाई 2 raised to the power 3, 27 का 3 raised to the power 3। ये लॉग एक्स है विद बेस ऑफ 3 है। 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल। और ये जो वैल्यू है ना, ये होगी लॉग 2 विद बेस ऑफ 3, क्योंकि जो 3 है ये बेस में आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो भाई, ये 3 और ये 3 आ गया, ये बचा लॉग 2 विद बेस ऑफ 3, ये बचा लॉग एक्स विद बेस ऑफ 3। अभी जो 2 है ये पावर में चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा? पावर में, ठीक है भाई। लॉगरिथम के बेसिक रूल्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे ये सब। अब इधर आ जाओ, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया लॉग 2 विद बेस ऑफ 3, लॉग एक्स विद बेस ऑफ 3। बट यहाँ एक प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी बेस की वैल्यू और पावर जिस पे वो बन रही है, वो सेम हो, तो इसका सीधा सा आंसर 2 की पावर 4 आ जाता है। क्या आएगा भाई? 2 की पावर 4। क्या ये, सॉरी, ये 2 की पावर 2 है भाई, 2 गई थी ना पावर, तो फाइनल आंसर 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। अब देखो, आपको ये लॉग हटाने हैं, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है? बेसिकली इस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, तो इसका आंसर k आता है, a log k विद बेस ऑफ a इज इक्वल टू k। तो इस पे अगर मैं सबको 3 की पावर पे रेस कर दूँ, इन सबको मैं 3 की पावर पे रेस कर दूँ ऐसे करके, ये भी 3 की पावर पे रेस कर दो और इसको भी 3 की पावर पे रेस कर दो। बच्चे बोलेंगे सर इसको तो ज़रूरत ही नहीं थी। बेटा ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबको सेम करना पड़ता है। ये 3 तो यहाँ 2 बचेगा, ये 3 और ये 3 तो यहाँ x बचेगा, और ये आपका है, अच्छा लास्ट में इक्वल नहीं है, ठीक है, एक सेकेंड अभी हटा देते हैं। अब यहाँ पे 3 की पावर 4 है, विच इज़ 81, तो आपका आंसर आ गया 2 से लेकर 81 तक, पर 2 पे है क्लोज ब्रैकेट और 81 पे ओपन, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मेनली बात इस प्रॉपर्टी की थी, जो आपको इसमें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टू बी अपने को वैल्यूज दे रखी हैं और बोला है अज्यूमिंग ऑल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी आर इक्वली लाइकली, ओके। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ ऑल्सो अ फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रिलेशन की जो वैल्यू है वो एक फंक्शन भी होगी। तो टोटल आउटकम नीचे आते हैं, यानी टोटल रिलेशन नीचे आएंगे, क्योंकि फंक्शन तो रिलेशन में से ही बनेगा, तो ऊपर आएंगे फंक्शंस। अब अगर मैं आपको कहूँ कि फंक्शन ए टू बी निकालो और रिलेशन ए टू बी निकालो, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी होता है बी की पावर ए, और बी में कितने एलिमेंट हैं? 2, उसकी पावर कितना? 3, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच इज़ 2 की पावर ए बी। भाई क्यू की पावर भी फंक्शन होता है, रिलेशन होता है 2 की पावर ए बी, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 3 और 2, तो 2 की पावर कितना आ गया? 6, क्योंकि 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64, तो फाइनल आंसर आ गया 1/8, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को कभी आप पूरा सॉल्व करो ही मत, पॉइंट वाइज चलो, क्योंकि इंटरवल का खेल है और ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में। 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, 1 में ग्रेटर देन है, 1 में लेस देन है, तो यानी 1 और 2 में से कोई एक करेक्ट होगा, और सिमिलरली 3 और 4 में से कोई एक करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, 1 और 2 दोनों तो करेक्ट हो नहीं सकते, या तो वैल्यू बड़ी होगी या वैल्यू छोटी होगी। 2 और 4 हो सकता है, 1 और 4 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए तो आते हैं 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में मैंने कंसिडर कर लिया 0.5, और फिर इस इक्वेशन में मैं इसे पुट कर रहा हूँ, 1/1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 1 प्लस 0.5, यहाँ आ गया 0.5 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1.15, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.25, तो आपका आंसर आ गया 0.75। इसको डिवाइड कर दो, ये 2/3 हो जाएगा, जिसका मतलब होता है 0.67, तो ये चीज़ तो करेक्ट है, तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है,
तो सेकंड में ये है, सेकंड में ये है, तो जब ये दोनों गलत हो गए तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी चेक करने के लिए आप फोर्थ भी चेक कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट अगर सही होगा तो सेकंड गलत ही होगा, दोनों में इंटरवल सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो -1 से 0 के बीच में नेगेटिव का 0.5 ले लिया हमने, ठीक है, पुट करते हैं 1/1 -0.5 ग्रेटर 1 --0.5 प्लस 0.5 नेगेटिव का स्क्वायर, तो ये आएगा 0.5 प्लस 0.25 और ये आएगा 1/0.5 विच इज़ 2। तो 2 क्या 0.75 से ग्रेटर देन होता है? बिल्कुल होता है, तो फोर्थ वाली वैल्यू भी करेक्ट है, तो 1 और फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बाकी डायरेक्ट कैसे जाना ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अभी देखिए भाई, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इफ इस इज वैल्यू इज दिस। तो कभी ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम आए ना कि सम दे रखा हो और प्रोडक्ट पूछा हो, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। अब यहाँ पे देखो एक्स 3 बार है, पावर में भी 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3 बार आ गया, और उसके बाद वाई 2 बार है तो वाई प्लस वाई आ गया, ठीक है भाई। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जितने भी नंबर होते हैं उसको, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उसे डिवाइड करते हैं, बिल्कुल। जी एम कितना है? जी एम में सर एक्स 3 बार आ गया और वाई 2 बार आ गया, तो एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2, और ये आ गया 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 55। तो यहाँ पे ऊपर 15 है, नीचे 5 है, और ये वैल्यू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आ गई, 5 3 15 हो गया। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जब ज्योमेट्रिक मीन हम निकालते हैं तो उसकी पावर 1/n आती है, और n में कितनी वैल्यू है? 5, तो 1/5 1/5। अब यहाँ 3 बचा है विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब और वाई स्क्वायर 1/5। अब 1/5 हटाने के लिए आप दोनों साइड पावर 5 कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे, तो एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कितनी होगी? सर 3 की पावर 5 विच मीन्स 243। तो यानी एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 243, क्योंकि ये इससे छोटा है तो 243 मैक्सिमम रीच पे है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 243। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर एक्स 3 लिखा है, ठीक है, बट वैल्यू में तो एक्स 1 ही बार आ रहा है, तो हम इसको एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करके नहीं लिख सकता, मैं इसको सीधा लिखूंगा 3x, जो एक सिंगल ऑब्जर्वेशन काउंट होगी। फिर मैं y को 2 बार लिखूंगा, लेकिन अभी कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3। वही चीज या अरिथमेटिक मीन है भाई, ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन में आप क्या करोगे? सर 3x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, और इसकी पावर भी आएगा 1/3। क्या ये बात समझ में आई कि क्यों और कैसे करा मैंने? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर x 1 ही बार ट्रीट होगा। अब ऊपर आ गया 3x प्लस 2y, नीचे 3 है, और ये हो गया 3x और y का स्क्वायर और पावर में 1/3। अब देखो इसकी वैल्यू 24 है विच इज़ डिवाइडेड बाय 3, और ये 3x y स्क्वायर की पावर 1/3, तो ये 8 आ जाएगा। 8 हटाने के लिए फिर से वही कंडीशन लगानी पड़ेगी, 1/3 हटाने वाली, पावर 3 पावर 3। अब इससे क्या होगा? एक सेकेंड, तो यहाँ से क्यूब कर दिया मैंने, तो 3 से 3 कैंसिल, 8 की पावर क्यूब कितना होता है? 512। अब लेकिन आपको तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, तो इस 3 को इधर ला के डिवाइड कर दो बस। अब पॉइंट में आए चाहे कुछ भी आए, आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 512/3। दिस इज़ द राइट आंसर। तो अप्रोच पावर के हिसाब से होगी, ये बात याद रखना। ए एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। इस क्वेश्चन को रिपीट में करो चाहे कॉपी में नोट करो, कुछ भी करो, ये पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए आपको समझ में आए होंगे। बाकी कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी प्रकार की, चाहे CUT में फॉर्म की अपडेशन आ रही हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, आपको सब कुछ हमारे चैनल पे मिलता है। तो एडू कैप्टन के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो लाल कलर का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, वहाँ पर सारी अपडेट फटाफट आपको मिलती रहती हैं। तो भाई दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।